कैसे हो सब लोग। तो ये मेरा पहला वीडियो है, मेरा पहला व्लॉग है। मैं एक्चुअली व्लॉग बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो देखते हैं अभी शुरुआत है तो कैसे बनता है, क्या होता है अब पता तो नहीं। आप लोग ही बता सकते हो, अगर ये व्लॉग बनने के बाद लोगों को पसंद आएगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। तो मैं शिफ्ट पे रहता हूँ, मैं शिफ्ट पे काम करता हूँ, शिफ्ट पे जॉब करता हूँ। मैं एक सी फेयर हूँ और मैं एक व्लॉग बनाऊँगा अपने मतलब शिफ्ट पे ही, मतलब के हम लोग क्या करते हैं, कैसे रहते हैं और सी फेयर की लाइफ कैसी होती है, क्या फेस करना पड़ता है, क्या क्या सिचुएशंस आती है, और जब ओपन सी रहता है वेदर कैसा ख़राब होता है, क्या होता है क्या नहीं होता है शिप्स पे, क्या शिप पे क्या क्या रहता है, मतलब कैसे रूल्स रहते हैं, क्या क्या चीज़ें रहती है, क्या फैसिलिटीज़ रहती है, तो हर चीज़ मैं आपके लिए वीडियो बना के आपके लिए मैं पोस्ट किया करूँगा। और आपको अगर पसंद आएगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। तो अभी ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है, मेरा पहला वीडियो है, तो अभी देखते धीरे धीरे, मतलब जैसे जैसे मौका मिलेगा, वक्त मिलेगा, टाइम, मतलब तो मैं ज़रूर वीडियो बनाया करूँगा। और अभी फ़िलहाल बज रहे हैं रात के 12, मेरी ड्यूटी है 12 से 4, और मैं अभी जाऊँगा रिलीव करने के लिए 8 से 12 वाले ड्यूटी वाले को, जो अभी ऑन ड्यूटी है, तो मैं जाऊँगा उसको रिलीव करूँगा, फिर वो ऑफ हो जाएगा और वो रेस्ट करने चला जाएगा। तो फिर मेरी 12 से 4 है, रात के 12 बज रहे हैं, 12 से 4 बजे तक मेरी ड्यूटी है, और फिर 4 बजे दूसरा बंदा आएगा मुझे रिलीव करने के लिए। तो ये मतलब बस चलते रहता है, 12 से 4, फिर 4 से 8, 8 से 12, 12 से 4, मतलब ये सर्कल चलते रहता है ड्यूटी का। तो मतलब ऑफ तो रहता नहीं बेसिकली हम लोग को, हम लोग के लिए जो हम लोग नेविगेशन लुकआउट वाले हैं हम लोग को, तो हम लोग को ऑफ रहता नहीं है। अभी हम लोग फ़िलहाल तो एंकर पे है, तो एंकर पे फ़िलहाल मतलब हम लोग को ब्रिज पे यानी कि कंट्रोल रूम में तो रहना नहीं है, अभी चाहिए थोड़ा बहुत कुछ काम मिल जाता है, वो काम करके बस थोड़ा बहुत रिलैक्स करना है। ठीक है, तो फिर चलते हैं, अभी मैं अपनी ड्यूटी टेक ओवर कर लेता हूँ, टाइम भी हो चुका है, और फिर मिलते हैं बाद में। दोस्तों अभी मैं जा रहा हूँ, 12 बज गए, 8 से 12 बजे की ड्यूटी है अभी चालू, उसको मैं रिलीव करने के लिए जा रहा हूँ 12 बजे, 12 से 4 मेरी ड्यूटी है। और अभी हम यहाँ पे एंकर पे खड़े हैं, ठीक है, तो अभी जाते हैं, देखते हैं। जाने से पहले मैं आप लोग को अपना थोड़ा रूम का व्यू भी दिखा देता हूँ, ठीक है, कि मेरा रूम अभी थोड़ा मतलब बिगड़ा हुआ है, ठीक है, जो फ़ोन आया है, वेकअप कॉल आया है, 12 बज चुके हैं ऑलरेडी। हाँ भाई, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, आर तो 12 बज चुके हैं, इसके लिए ऑलरेडी उसका कॉल आ चुका है। ठीक है, तो हम चलते हैं, इससे पहले मैं तुमको थोड़ा रूम दिखा देता हूँ। तो गाइस थोड़ा रूम बिगड़ा हुआ था, ठीक है, जैसा भी था, तो अभी चलते हैं। अभी हम ड्यूटी टेक ओवर कर लिया हूँ, और वो जो था अभी 8 से 12 वाला ड्यूटी वाला जो चले गया अभी रेस्ट करने के लिए, तो थोड़ा बहुत काम है, थोड़ा काम करके आ जाता हूँ। तो जाने से पहले मैं आपको थोड़ा, अभी मैं यहाँ पर मेस रूम में हूँ, जो जहाँ पर खाना वगैरह खाते हैं, ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं, तो थोड़ा मैं आप लोग को व्यू थोड़ा दिखा देता हूँ, ठीक है। यह है मेस रूम, या हम खाना खाते हैं, रखा हुआ है यहाँ पर चाय कॉफ़ी जो भी है सामान यहाँ पे रखा हुआ है। ये छोटा सा ओवन है, ये फ्रिज है, पानी का फाउंटेन है यहाँ पर। चलो आइए मैं आपको दिखाता हूँ अभी हमारा रिक्रिएशन रूम, क्रू रिक्रिएशन रूम, मैं आपको बताता हूँ। तो ये है हमारा क्रू रिक्रिएशन रूम, यहाँ पर हम अपना जो ऑफ टाइम है वो हम लोग यहाँ पर स्पेंड करते हैं, टीवी है थोड़ा बहुत, मतलब मूवीज़ वगैरह देख लेते हैं यहाँ पर, या जिसको कैरम खेलना है कैरम खेलता है, या फिर कोई कार्ड्स वगैरह जिसको खेलने का शौक है वो खेलता है।
तो अभी हम चलते हैं नीचे चेंजिंग रूम, चेंजिंग रूम जहाँ पे हम लोग अपना हेलमेट शूज़ वगैरह रखते हैं। वहाँ से मैं अपना शूज़ वगैरह पहन के मैं अपने काम पे जाता हूँ, ड्यूटी पे जाता हूँ, या जो भी डेक पे जाता हूँ, ठीक है, तो अभी वहाँ चलता हूँ। वहाँ भी कुछ ना कुछ शूज़ वगैरह पहनना है, हेलमेट पहनना है, मुझे डेक पे जाना है, थोड़ा सा काम है, काम करके आऊँगा, ठीक है। चलते चलते जो भी रास्ते में मतलब मुझे कंट्रोल रूम ये वो जो भी दिखता है मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। फिर बाकी का धीरे धीरे जैसे होते रहेगा मैं आपको वैसा दिखाऊंगा, ठीक है। तो अभी मैं आया हूँ कार्गो कंट्रोल रूम। कार्गो कंट्रोल रूम ये है जो हम लोग यहाँ से कार्गो कंट्रोल किया जाता है, मतलब सारा सारा कंट्रोल यहीं से होता है, जो भी टैंक में कैलकुलेशंस वगैरह वो चीफ ऑफिसर के अंडर में आता है, ठीक है। तो मैं आपको उसका थोड़ा सा व्यू दिखा देता हूँ, थोड़ा सा नज़ारा। ये है कार्गो कंट्रोल रूम, और ये है पैनल, यहाँ पर सारे वॉल्व वगैरह ऑपरेट करने के सिस्टम है, ये सब ओवरफिल अलार्म्स, टैंक के ये लोडिकेटर, ये सब कुछ है यहाँ पर, जहाँ से कंट्रोल किया जाता है कार्गो टैंक के अंदर। ये है पूरे पंप्स के कंट्रोल्स। और अभी हम चलते हैं आगे शिप्स ऑफिस। ये शिप्स ऑफिस है लाइक, मतलब कोई अगर बाहर का कोई सर्वेयर या लोडिंग मास्टर वगैरह आते हैं तो यहाँ पर बैठ के मीटिंग होती है कार्गो स्टार्ट होने से पहले, और फिर कार्गो स्टार्ट किया जाता है। तो अभी मैं चेंजिंग रूम में आ चुका हूँ। अभी मैं अपने थोड़े शूज़ वगैरह हेलमेट वगैरह डाल देता हूँ, बिकॉज मेरे को डेक पे जाना है, तो मैं डेक पे विदाउट सेफ्टी तो मैं बिल्कुल नहीं जा सकता, ठीक है। तो फिर इसलिए मुझे सेफ्टी सेफ्टी शूज़ और हेलमेट पहनना ज़रूरी है डेक पे जाने के लिए।
से पूरे एकोमोडेशन में पूरी एसी की सप्लाई होती है, ठीक है, यहीं से एसी पूरा सप्लाई होता है पूरे एकोमोडेशन में। तो अभी फिलहाल मैं एसी रूम में हूँ, आप लोगों को दिखा देता हूँ कि एसी रूम और यहाँ पर एसी का जो सप्लाई है, जहाँ से एसी सप्लाई होती है पूरे एकोमोडेशन में, वो कितना बड़ा रहता है, क्या चीज़ रहती है। ये एक्चुअल में पूरे इंजीनियर्स जो हमारे ऑनबोर्ड रहते हैं, इंजीनियर्स वो पूरा मैनेज करते हैं इसको, तो उनके अंडर में आता है और वही मतलब एसी कितना कंट्रोल करना है क्या है सब उनके अंडर में आता है। तो वो देखते हैं, तो चलो आइए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर एसी रूम है और यहाँ पे बहुत सी चीज़ें हैं, मतलब कनेक्शंस को लेकर इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स, ठीक है, जहाँ से सप्लाई जाती है। तो फिलहाल मैं आपको एसी दिखा देता हूँ कि कितनी बड़ी रहती है एसी, यहाँ से एसी का सप्लाई जाता है पूरा एकोमोडेशन में। तो आप लोग ये देख सकते हैं, ये पूरा जो यूनिट है, ये पूरा यूनिट एसी का है, ठीक है, और यहीं से पूरी सप्लाई जाती है पूरे एकोमोडेशन में। जो सप्लाई मिलती है एक्चुअली यहाँ पे शोर है बिकॉज एसी चल रहा है, तो शायद से मेरी आवाज़ आपको स्लो मतलब कम सुनाई दी, ठीक है। तो यहाँ पर है सप्लाई और टेम्परेचर, आप देख सकते हो फिलहाल जो है सप्लाई जा रहा है इतना डिग्री है, ठीक है। तो ये पूरा एसी का यूनिट है, बहुत बड़ा यूनिट है एसी का, यहीं से एसी की सप्लाई होती है पूरे एकोमोडेशन के अंदर। तो फिलहाल अभी मैं आ गया ऊपर अपना हमारा मेस रूम है, काम हम सब हो चुका है, काम जो मतलब जो था वो मैंने काम कर चुका हूँ। अभी फ़िलहाल 2:45 हो रहे और 4 बजे तक ड्यूटी करनी है, मतलब कुछ काम तो है नहीं, बट फिलहाल इसमें थोड़ा टाइम बस, और अभी बस थोड़ा कॉफ़ी वॉफी पीने का मूड हुआ है, तो थोड़ा कॉफ़ी भी पी लेते, तो इसके बाद देखते हैं क्या करना है। तो कॉफ़ी रेडी है और मैं थोड़ा कॉफ़ी के मज़े ले लेता हूँ, काम वाम बहुत हो गया, अभी अब थोड़ा रिलैक्स कॉफ़ी पीना है और आराम करना है, ड्यूटी ख़त्म हो गई बस हैंड ओवर करके अब चले जाना है सोने के लिए। तो गाइस अभी टाइम हो चुका है ऑलमोस्ट 3:30, आधा घंटा बाकी है अभी ड्यूटी ख़त्म होने के लिए। तो अभी फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ ऊपर ब्रिज पे, सेकंड ऑफिसर है थोड़ा उससे कुछ काम है, थोड़ा मिल लेता हूँ और चलते चलते आप लोगों को भी सोचा कि दिखा दूँ ब्रिज क्या होता है कैसा होता है, और जैसे कि कंट्रोल कहते हैं नेविगेशन, नेविगेट करते हैं हम लोग, वहाँ से नेविगेशन होता है, स्टेयरिंग होता है, लुकआउट होता है, वहीं से सब कुछ करते हैं हम लोग। तो सोचा चलते चलते आप लोग को भी दिखा दूँ कि कैसा होता है ब्रिज, और फिर बस वहाँ से आऊँगा नीचे अपना, बैठना 4 बजे आ जाएगा मुझे रिलीव करने के लिए, तो उसको हैंड ओवर कर दूँगा और फिर मैं चला सोने के लिए। तो आइए मेरे साथ चलिए, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा ब्रिज। चुका अपने रूम में, मेरी ड्यूटी ख़त्म हो गई है, मेरी एक्चुअली मेरी ड्यूटी थी 12 to 4 की, नाइट लुकआउट नाइट वॉच। अभी फ़िलहाल तो हम लोग एंकर पे हैं, तो मतलब नीचे ही रहते हैं, थोड़ा बहुत कुछ काम रहता है काम कर लेते हैं, या तो फिर बस इसी थोड़ा बहुत टाइम पास, थोड़ा रिलैक्स, क्योंकि दिन में बहुत काम हो जाता है, तो मतलब रात को थोड़ा सा रिलैक्स, छोटा मोटा काम मिल जाता है, थोड़ा बहुत काम करके बस ऐसे थोड़ा बहुत टाइम पास कर लेते हैं। एक्चुअली अभी हम फिलहाल एंकर पे है, मोजम्बिक कंट्री है, अफ्रीका की बैरा पोर्ट है, यहाँ पर बहुत बहुत मतलब लंबा एंकरेज मिल जाता है। मुझे जस्ट ज्वाइन करके जस्ट अभी हफ्ता ही हुआ है, 10 दिन ही हुए, और यहाँ पर ये हमारा जो शिप है मतलब ऑलमोस्ट 1 महीना हो चुका है एंकर पे ही खड़ा है, बट बाकी बहुत से जहाज़ है ऐसे, बहुत से शिप्स है जो 2-2 महीने से एंकर पे खड़े हैं यहाँ पर,
तो भी हमारा नंबर शायद से 16 को आएगा। हम लोग पोर्ट में जाएंगे अंदर बर्थिंग पे कार्गो डिस्चार्ज करने के लिए। फिलहाल तो अभी मेरी शुरुआत हुई है, मतलब अभी के कुछ स्टार्टिंग के ही दिन है, अभी तो बहुत लंबा जाना है, 8 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट है, तो अभी बस 8-10 दिन ही कम्प्लीट हुए हैं। और अभी हम एंकर पे हैं, लेकिन इतनी तकलीफ तो मतलब इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, बट अगर ब्रिज पे अगर लुकआउट की ड्यूटी रहेगी, अगर वॉच करने की ड्यूटी रहेगी, अगर ब्रिज पे नेविगेशन करने की ड्यूटी रहेगी अगर, तो नींद बहुत ज़रूरी है शाम के टाइम। मतलब अगर डिनर के बाद थोड़ा बहुत मतलब मैं टाइम स्पेंड करता हूँ, मतलब घर वालों से भी बात कर लेता हूँ, फैमिली से भी, और फिर थोड़ा बहुत सबके साथ टाइम स्पेंड करता हूँ, और फिर थोड़ा सा सोना भी ज़रूरी है, बिकॉज अगर मैं नहीं सो पाया ना तो फिर थोड़ा लुकआउट करने की थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, वहाँ पर नींद आने लगती है, बिकॉज 4 घंटा वहाँ पर खड़ा रहना पड़ता है और खड़े रह के लुकआउट करना होता है वहाँ पर। अभी फ़िलहाल एंकर पर है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होती है, मतलब क्योंकि बस टाइम पास ही करना है, बैठना है थोड़ा बहुत काम करके बस, तो इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन अगर ब्रिज पे अगर लुकआउट करना रहता है तो फिर थोड़ा नींद नहीं मिलती, थोड़ी प्रॉब्लम होती है, स्पेशली जब पायलटेज रहता है, जब हम पोर्ट में अप्रोच करते हैं, जब पोर्ट अरेवल रहता है, स्टेयरिंग वगैरह रहती है, तब थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। अगर नींद नहीं मिली तो स्टेयरिंग करने के लिए थोड़ी प्रॉब्लम होती है, कभी कभी तो 4-4 घंटे भी स्टेयरिंग करने पड़ते हैं, तो और भी दिक्कत हो जाती है। तो गाइज़ ये था मेरा पहला वीडियो, पहला व्लॉग, पता नहीं मतलब कैसा बनाया हो मैंने, क्या है क्या है, मुझे नहीं पता, ये आप लोग ही मुझे बता सकते हो। तो अगर पसंद आया होगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, ठीक है। और अभी ये पहला वीडियो था, आगे आगे मैं और बनाऊंगा, जैसे जैसे मतलब जो भी मेरे डेली की एक्टिविटीज़ रहेगी या दिन भर में क्या करता हूँ क्या नहीं करता हूँ, जो भी मतलब जैसे जैसे मुझे मौका मिलेगा मैं वीडियो बनाऊँगा और आप लोग के सामने आप लोग के लिए पोस्ट करूँगा। तो पता नहीं, अब मेरा एक पहला वीडियो था, पहला व्लॉग था, और ये शुरुआत थी मेरी व्लॉग की, तो आई डोंट नो कि मतलब मैंने कैसा बनाया हूँ क्या बनाया हूँ, ये मुझे तो पता नहीं है, आप लोग ही मुझे बताओगे। अगर पसंद आया रहेगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, ठीक है, और फिर ज़रूर मैं आप लोग के लिए और भी कुछ वीडियोज़ लेके आऊँगा, या फिर मतलब बहुत सी चीज़ें हैं शिप्स पे जो आप लोग को देखने के लिए मिलेगी, और मतलब मैं दिखा सकता हूँ, जहाँ तक मैं जितना दिखा सकता हूँ मैं आप लोग को ज़रूर दिखाऊँगा, ठीक है। और अगर मतलब बहुत सारी चीज़ें दिखाऊंगा शिप्स का, अभी तो नाइट रात थी तो बाहर का ज़्यादा कुछ दिख नहीं पाया, लेकिन अगर दिन में अगर कभी मौका मिला तो मैं आपको दिन का भी दिखाऊंगा, ठीक है। तो बस आप मतलब मेरा अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मैं अगले वीडियो भी मतलब मौका मिलेगा टाइम मिलेगा तो मैं ज़रूर पोस्ट करूँगा, ठीक है। तो अभी के लिए थैंक यू, बाय बाय, सी यू।